सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस क्या हाल है सबके, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज भाई मैं ऐसी थोड़ा ड्रेसअप हो गया क्योंकि ना आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी वैसे तो हम कुछ खास करते नहीं है, मतलब वैसे हमारे घर पे तो कुछ पूजा वूजा होती नहीं है। बट हमने सोचा है, मैंने ना एक बार बहुत छोटा भी नहीं यार, 10th में हूँ, जब मैंने ना एक बार ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ी थी, उस दिन के बाद से ना मेरे को इतना डर लगा ना, क्योंकि मटकी फोड़ती, जैसे मैंने मटकी फोड़ी ना उसका ऐसा मटकी आई मेरे सीधे यहाँ पे लग गई और बड़ी तेज लगी थी मेरे। तो उसके बाद से मटकी का तो कैंसिल ही हो गया। तो फिर मैंने पीछे कहा कि चल यार मेला चलते हैं यार, जन्माष्टमी के मेले में इतने मजे आते हैं। याद है लास्ट ईयर हम गए थे दिवाली के मेले पे और कितना बढ़िया व्लॉग बना था, कितना फनी व्लॉग बना था। तो मैंने कहा इस बार भी जन्माष्टमी के मेले पे चलते हैं और देखते हैं। वैसे तो आज जन्माष्टमी तो बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है मेले में, तो देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। और फिर हमने सोचा है अभी जन्माष्टमी के मेले में तो टाइम मतलब शाम को शुरू होता है, दिन में भी शुरू होता है, बट बहुत धूप होती है, जाने का मन नहीं करता। तो मैंने सोचा है कि हम जिम चले, लाइक जिम में थोड़ा वर्कआउट करें और देखते हैं यार। जिम शुरू करना है यार भाई, बहुत फेस फैट, बहुत यहाँ पे फैट, हर जगह फैट भर गया मेरे, मैं गुस्सा चढ़ रहा, मेरे को करना है जिम, एब्स निकालनी है। ठीक है, तो प्लान कुछ ऐसा है, पहले हम जिम जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम जन्माष्टमी मेले पे, और उसमें जैसे भी होता है देखते रहेंगे, प्लान हो सकता है चेंज भी हो जाए, हमारा कुछ पता नहीं होता। और मैंने साथ ही एक पजामा रख लिया है और एक टी शर्ट रख ली है, क्योंकि हाँ क्योंकि इन कपड़ों में तो मैं जिम करने से रहा। ये ऐसा करो यहाँ पे पूरी टी शर्ट ऊपर होती है, ओवर साइज टी शर्ट का ना यही होता है, थोड़ा सा ऐसे करो टी शर्ट ऊपर हो जाएगी, हो जाएगा। तो चलते हैं फिर, पेशअप भी शायद तैयार हो चुकी होगी और फिर मैं भी नहाया भी नहीं यार, क्योंकि ना वर्कआउट करते हुए बहुत ऐसे पसीना वसीना आ जाता है। तो मैंने सोचा कि सीधा जिम से करके, जिम में शावर वावर होता है, वहीं से तुम्हें शावर ले लूँगा और चलेंगे फिर मेले में। सो कही जाए पिशा को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैं फिर लेट गया और मैं एक मूवी देख रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कमेंट करके बताना किस किस को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत पसंद है इसके दोनों पार्ट। ये देखो ये मूवी भाई, जुमानजी द नेक्स्ट लेवल, इसका मैंने पहला पार्ट भी देखा, वो भी मेरा फेवरेट है, और ये भी मैं कम से कम 5-6 बार देख चुका हूँ। तो कमेंट करके बताना किसकी सबसे फेवरेट मूवी है ये। सो गाइस अभी मैं मतलब पिशा के घर पहुँचने वाला हूँ और मैं निकल गया था घर से और मैं मटकी दिखाऊंगा, उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने एक प्रैंक सोचा है और मैं अभी उसका प्रैंक का इंट्रो भी करने जा रहा हूँ। तो जिसने भी वो प्रैंक देखने जल्दी से जाके मतलब कल तक का वेट करना, कल तक आ जाएगा प्रैंक, तो देख लेना। ठीक है चलो अभी मैं प्रैंक का इंट्रो करता हूँ और मैंने बहुत बढ़िया प्रैंक सोचा इस बार। सो गाइस फाइनली पिशा पे प्रैंक करना और इतना मस्त प्रैंक करना, बट इसने मैं बड़ी जोर से चौटा मारा यार, जो अब मतलब अब कल देखना वो प्रैंक कितना मस्त, मैं अभी कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, बहुत मस्त प्रैंक था भाई, एक नंबर बना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शायद जिम, बट मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो छोले भटूरे ठूस के आई है और मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, लिजिट कुछ नहीं खाया, चश्मा पागल है क्या, नंगा कर मेरे को पागल क्या फालतू में आके चला रही है। हाँ तो गाइस अभी देखते हैं तो कुछ खाते हैं, पहले मेरे को रील डालनी है यार, कौन दूजू कर रहा है, घटिया सी गाड़ी में से सरेंडर लगवा लेते हो, तुम्हीं होती है सरेंडर सुन के लगा तो कोई अच्छी बाइक आ रही है भाई, मेरे को समझ नहीं आता लोग 2-2 लाख की गाड़ियां लेके उसमें इतना बड़ा बड़ा एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं, क्यों क्या शौक क्या हो गया ये करके, कोई भाई BMW लो उसमें ऐसा एग्जॉस्ट लगाओ तब फील मजा आए, है ना। So guys, अभी हम आए थे पार्किंग में और इसको कुछ खिलाने लाए थे, और क्योंकि इस तरह सुबह से छोले भटूरे खा लिए और मेरे को कुछ नहीं खिला, एंड द थिंग इज कि हम ना यहाँ पार्किंग में लगा रहे थे, तो इसने जैसे अंदर गया ना तो गार्ड ऐसे ऐसे मना करते हुए आया, फिर हमने विंडो नीचे करी, फिर हमने फिर उसने कहा भाई सर आप गटर में लगा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, नहीं लगानी है गटर में, ऐसे तो बोला भी नहीं था उसने, ऐसे नहीं बोला जैसे तू बोल रही है, बोला बट ये तो बोला गटर है पीछे, बोला ये बट ऐसे नहीं बोला जैसे तू बोल रही है, गटर में लगाने वाला था। देख रहा बिल्कुल परफेक्ट पार्क करिए, बिल्कुल परफेक्ट, कोई लॉक करे क्या छेमड़ी क्या नाच रही है। सो वैसे मैंने आपको रफ प्लान बनाया था, वैसे तो वही है, बट ऊपर अभी मैकडी में जाकर डिसाइड करते कि क्या करना है, पहले मैंने इसको मैंने ये प्लान बनाया कि पहले हम जाएंगे जिम करने, उसको जाएंगे जन्माष्टमी मेला, देखते हैं चलो। अंग्रेज बन जाए हैश ब्राउन, हैश ब्राउन खाली टिक्की तो हैश ब्राउन और क्या क्या ऑर्डर करना है जल्दी बता, मुझे क्या पता कहाँ मिलेगा मैम, कैफे यहाँ पे देख ले कहीं भी, मिनियन कैफे भी लगा हुआ है। हाँ तो वैसे हमने ऑर्डर कर दिया है, अब बता क्या सीन है, जल्दी बता यार, ड्रामे देखो गाइस, इसके ड्रामे देख रहे हो, जल्दी बता। मैं तो इसको यही कहा था कि अभी जिम चलते उसके बाद जन्माष्टमी मेला चलेंगे, फिर मैं तो कपड़े भी ला साथ में बैठ में, तू लाइए यार, ऐसी हरकतें करते इरिटेट हो रहा हूँ मैं भाई, बहुत इरिटेट हो रही है मेरे को, बहुत सही था मेरा तो, बहुत मजा आया गाइस, अभी हमने ऑर्डर किया है सारे बाहर निकल गए, थैंक यू, हमने ऑर्डर किया गाइस फ्राइज बर्गर और ये जो हमारी आती तो बाहर निकल गई, बोला कि ये देखो कैसे बाहर निकल रहा है, वो कहता हम क्या हंसी दोबारा हंसी हंसी दोबारा हंसी अपनी दांत दिखा के हंसना हंस हंस। सो गाइस अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं जिम, बट मेरे को पेट खा लिया, मैंने बहुत कुछ खा लिया, मैं कॉलेज आ रहा हूँ,
I'm sleeping. Guys, she wanted to go home. Oh my god. She's so lazy. यही तो मेरा प्यार है, ऐसे थप्पड़ मारना. तो गाइस पहुंच गए जिम के नीचे, तो चलो चलते. कहती तू ऊपर जाके क्या बोलेगा, फिर डल जाए मैं और क्या बोलूंगा. नहीं तेरी बहन क्या बोलूंगा यार, यही बोलूंगा ना. ऐसी बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या. मैंने ऐसा ऐसा कर दिया ना, मर जाएगी. चलो और ऊपर गाइस बॉक्सिंग का भी है, तो बॉक्सिंग भी करेंगे दोनों 1v1. चलो भाई चलते. सो भाई मैं देख रहा हूँ, मैं आराम से गाड़ी पार्क कर रहा हूँ और ये भाई जहाँ पे इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है, बस हमने ऐसे स्कैन किया और हमारी अटेंडेंस हो गई. देख ले 12 महीने का वट से महंगा है थोड़ा, बट कोई बात नहीं. देखते हैं, कह रहा हूँ आज ऐसा वर्कआउट करेंगे कि सबकी ऐसी तैसी हो जाए देख के. ओ ये टिंगड़ सी ऐसा वर्कआउट कर सकती है. सुबह फाइनली मैंने तो चेंज कर लिया, चेंज नहीं लूँगा और ऐसा सीन हो गया. मेरी टी शर्ट गीली हो गई, बता दो कैसे. मैं शावर रूम में घुस गया, वहाँ पर मेरी टी शर्ट नहीं चल रही तो गीली हो गई. अभी प्रीशा का बाहर वेट कर रहा हूँ, आती है तो फिर वर्कआउट शुरू करते हैं. चलो करते हैं वर्कआउट जो है सेकंड फ्लोर पे. क्या कह रही है, क्या कह रही है, बोली दोबारा बोली. नहीं वो पता था मैं जब भी एक्सरसाइज करते हैं वो कहते हैं. सो गाइस फाइनली वर्कआउट हो चुका है हमारा, बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया बट बॉडी पंप हो गई, फूल गई थोड़ी और पीछे योगा चल रहा है. सो गाइस हम निकल गए थे और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने. क्या खाना पीना है भाई, नहीं भूख तो नहीं है, बस लाइक इतना है कि मैं कुछ अच्छा सा पी लूं. पी ले हां हां, तो मैं कोई शेक पी लेते हैं, देख लेते हैं. बट जगह तो बता, और मेले का क्या सीन है, जा देख. धूप तो चली गई गाइस, थोड़ा अभी ना लाइट्स नहीं जल रही होंगी मेले में, जब तो लाइट्स का क्या करना है. गाइस अभी हम यहां पे आए और हमें मिली मम्मी और मेरे पापा सामने खड़े, और इसके बाद हम शायद जाएंगे मेला. और अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, क्या जा ही रहे हैं. हां और इसके बाद दिखाता हूं हमें क्या मिला, वो देखो. तूने वो वाली गेम खेली है, कौन सी, वो जिसमें वो टेंपल रन. हाँ मैंने तेरे से ज्यादा खेली है, मैंने सबवे सफर्स भी बहुत खेली है. बाली में एटीवी राइड होती है, उसमें से टेंपल रन जैसा पूरा कोर्स बना रखा है इतना बड़ा. चलेंगे चलेंगे, इसमें नदी से जाना होता है. चलेंगे, ये देखो गाइस किसी भी तरह से जाके मेले लग जाते हैं. गाइस ये देखो, ये मेला तेरी, ये मेला है. अभी गाली थी, अभी गाली थी, देखो क्या वो देखो, ये मेला है बट ये बहुत छोटा है सर, इसमें बस दो ही झूले वगैरह और कुछ नहीं है. सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेला में, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, प्रीटी प्रीटी है ना. हाँ पहले वो दूसरे वाले में गए थे बट फिर मम्मी ने कहा बहुत ही, और यहाँ से टिकट लेते हैं. हाँ तो हम इस वाले में आ गए, ये वाला तो उससे मच बेटर है, और मैंने जिम के कपड़ों के ऊपर ही अपने कपड़े पहन लिए और गर्मी लग रही है. टिकट तो हर मेले में होती है, उस वाले में भी है. दिवाली मेला की नहीं थी इसकी, तो है आंटी ने बोल दो 30 रुपए दिए हैं पार्किंग के, पता नहीं ये थोड़ा अच्छा वाला इसमें होगी, तो उसके भी पार्किंग के 50 रुपए ले लिए. हाँ अभी अंदर चल के देखते हैं क्या मस्त मस्त बना रखा है. ये देखो, ये देखो मेला कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो. चलो भाई यहाँ पे देखो, ये सारा सामान 5 रुपए का मिल रहा है, सारा सामान. भाई यहाँ तो लूट मचा रखी है, यहाँ पे 120 का एक दे रहा है, वैसे हमने 150 के 3 लिए थे सी पी से. देखो यहाँ पे स्टॉल्स भी इतने सारे लगे हुए हैं लेकिन सारे बेकार लग रहे हैं, मेरे को तो सही बताऊँ. गई यहाँ पे देखो, खाने पीने का कितना सही सामान है. ये देखो पापा की परी बन गई, गई और छपी बन गई. गई देखो ये वाले में जा रहे हैं, ये वाला मस्त है. तो गई फाइनली हम जा रहे हैं मस्त वाले झूले पे, तो गई फाइनली बैठ चुके हैं झूले में. और ये देखो, अरे अरे पापा चलो क्या
गाइस डर लग रहा है बहुत ज्यादा। इसको नहीं लग रहा है, झूठ बोल रहा है। यहाँ पे इतना सारा खाने का भी तो हम सोच रहे कुछ ले ही ले यहाँ से खाने के लिए। तो गाइस हम फाइनली हम जा रहे हैं मेरे से बाहर घूम लिया पूरा। तेजा भी जा रही है अपनी गाड़ी में और हम भी अब ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।